ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोध्याय विभूति योग। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान कहिले हे महाबाहो, मोर परम रहस्य ओ प्रभाव युक्त वचन पुणि थरे श्रवण कर। तुमे मोठारे अतिशय प्रेम रखुछ, तुमर हित कामना करि मु एहा कहिबि। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षय, अहमाद्रि देवानं हर्षिणां च सर्वशः। मोर उत्पत्ति अर्थात लीलारे प्रकट होउथुबा रहस्य देवता माने जानंती नाही कि महर्षि माने जानंती नाही, कारण मु हेउछि सबु दृष्टिरु देवता मानंकर तथा महर्षि मानंकर आदि कारण। जो माम जमनादिं च वेति लोक महेश्वरं असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जे मोते अजन्मा अर्थात प्रकृत रे जन्म रहित अनादि ओ लोक महेश्वर बोली तत्वतः जानंती, मनुष्य मानंक मध्यरे थिबा सेही ज्ञानी पुरुष सकल पापरु मुक्त होई जानती। बुद्धिर्ज्ञान स्मसंमोह क्षमा सत्य दमं समः सुखम दुखम भवो भाव भयम चाभ यमेव च अहिंसा समतां तृष्टि तपो दान जसो जसः भवन्ति भावभूतानां मतः एव पृथ्वीविधा। निश्चय करिबा शक्ति यथार्थ ज्ञान असम्मूढ़ता क्षमा सत्य इंद्रिय संयम मनो निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय ओ अभय अभय एवं अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति ओ अपकीर्ति प्राणी मानंकर एहिपरि जो नाना प्रकार भाव रही सेगुड़िक मोठारु ही उत्पन्न होती। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारं मनवस्तथा मद्भावा मानसः जातां जेषां लोक इवाह प्रजा। संसारर ही समस्त प्रजा जेउमानंक ठारु उत्पन्न होइछंती सेई सप्त महर्षि ओ सेमानंक पूर्वरु जात होइथिबा सनकादि चारि कुमार तथा स्वयंभवादि चौद मनु मो संकल्पर उत्पन्न होइछंती। ए समस्ते मो ठारु श्रद्धाभाव रखंती। एतं विभूति योगंच मम जो वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन जज्युते नात्र संशय। जो पुरुष मोर हि परम ऐश्वर्य रूपी विभूति ओ योग शक्ति को तत्त्वतः जानंती से निश्चल भक्ति योग द्वारा युक्त हो जानती, एथिरे कौनसी संदेह नाही। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुद्धा भाव समन्विता। मो वासुदेव ही समस्त जगतर उत्पत्तिर कारण ओ मो द्वारा ही समस्त जगत प्रवृत्त हेउछि। एपरि बुझि श्रद्धाजुक्त ओ भक्तिजुक्त बुद्धिमान भक्त माने मोते अर्थात परमेश्वर को ही निरंतर भजन करती। मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्त च रमन्ति च। निरन्तर मोठारे मन लगाइथिबा ओ मोठारे ही प्राण अर्पण करि देथिबा भक्त माने मो भक्ति सम्बन्धरे चर्चा करि मोर प्रभाव विषयरे परस्पर आलोचना करि एक आरेक को बोध कराई तथा मोर गुण ओ प्रभाव सहित मो विषयरे कथाभाषा ही करि निरन्तर संतुष्ट हुवन्ति ओ मोठारे ही निरन्तर रमण करन्ति। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकः ददामि बुद्धिजोगन्त येन मामो पजान्ति ते। निरंतर मोर ध्यान आदिरे लागि रहुथुबा तथा प्रेमपूर्वक भजन करुथुबा सही भक्तमानंकु मु सही तत्त्वज्ञान रूपी योग प्रदान करे जहा द्वारा सेमाने मोते ही प्राप्त हुवन्ति। तेषामेवानुकम्पार्थ महम ज्ञानजं तपः नाशयामात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। हे अर्जुन, जेउमानंक उपरे अनुग्रह करिबाकु सेमानंकर अंतकरणरे अवस्थित होइ मु निजे ही आलोकमय तत्त्वज्ञान रूपी दीप द्वारा सेमानंकर अज्ञानजनित अंधकारकु नाश करिदे। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यामादिदेवमजं विभुं आहुस्तामुरो स्वयं सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासं स्वयं चैव ब्रवीसिमेः। अर्जुन कहिले हे परम ब्रह्म, आपण परम ब्रह्म परम धाम ओ परम पवित्र अटंती, कारण आपणंकु सकल ऋषि सनातन दिव्य पुरुष एवं देवता मानंकर मध्य आदिदेव अजन्मा ओ सर्वव्यापी बोली कहंती। देवर्षि नारद तथा असित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास मध्य सेहिपरि कहंती ओ आपण निजे मध्य मते सेहि कथा कहउछंती। सर्वमेत द्रुत मन्ये जन्मा वयद केशव नहिते भगवन व्यक्ति विदुर देवान दानवा। हे केशव, आपण मते जहा किछि भी कहउछंती से सब को मु सत्य बोली मानुछि। हे भगवान, आपणकर लीलामय स्वरूप को दानव माने जानंती नाही कि देवता माने मध्य जानंती नाही अर्थात केही जानंती नाही।
स्वयमेव आत्मनात्मानं तत्पुत्वा पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पति। हे प्राणीमानंकर सृष्टिकर्ता, हे प्राणीमानंकर ईश्वर, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, आपण निजे ही निज द्वारा निजको जानती। वक्तुर्महशेषेण दिव्यात्मूत जाभूतिर्लोकनाष्टं व्याप्य ठसी। तेणु जो विभूति गुड़िक द्वारा आपण यही सब लोक को व्यापी रही आपण ही निजर से ही दिव्य विभूति गुड़ी संपूर्ण रूपे कह समर्थ अटंती। कथम विद्यमहं योगी स्तं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, निरंतर किपरि चिंतन करी मु आपण को जानिपरिबी एवं हे भगवान आपण केउ केउ भावरे मो द्वारा चिंतन योग्य अटंती। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भय कथय तृप्ति शुणुत्व नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आपणकर योग शक्ति और विभूति आहुरी विस्तृत भावरे कहंतु, कारण आपणकर अमृत वचन शुणी शुणी मोर तृप्ति हेउनाही, आहुरी शुणिबाकु उत्कंठा बढ़ुची। श्री भगवान उवाच, हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्रधानत्यः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान कहले, हे कुरुश्रेष्ठ, मोर जो सब दिव्य विभूति रही सेगुड़िक तुमको मुख्य भाव में वर्तमान कहिबी, कारण मो विस्तार अंत नाही। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनामंत एव च। हे अर्जुन, मु सकल जीवों हृदय स्थित समस्त आत्मा तथा सकल जीवों आदि मध्य और अंत भी मुँह अटे। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिर्सार विरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी। मु अदितिंकर द्वादश पुत्रंक मध्यरे विष्णु और ज्योतिमानंक मध्यरे किरण प्रदानकारी सूर्य तथा अणचास वायु देवतांकर तेज और नक्षत्रमानंकर अधिपति चंद्रमा अटे। वेदानां साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतनामस्मि चेतना। वेद मानंक मध्यरे सामवेद, देवता मानंक मध्यरे इंद्र, इंद्रिय मानंक मध्यरे मन और प्राणी मानंकर चेतना अर्थात जीवनी शक्ति अटे। रुद्राणां शंकराश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाः पावकाश्चास्मि मेरुशिखीणामहम्। मु एकादश रुद्रंक मध्यरे शंकर और यक्ष तथा राक्षस मानंक मध्यरे धनपति कुबेर अटे। मु अष्टवसुंक मध्यरे अग्नि और पर्वत मानंक मध्यरे सुमेरु पर्वत अटे। पुरोधसं च मुख्यं मा विधिपार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद परा सरसामस्मि सागर। हे पार्थ, मते पुरोहित मानंकर मुख्य बृहस्पति बोली जान। मु सेनापति मानंक मध्यरे स्कंद और जलाशय मानंक मध्यरे सागर अटे। महर्षिणं भृगुराहं गिरामस्मे कमक्षरम यज्ञानं जपयोग्योस्मि जास्तावराणां हिमालय। मु महर्षि मानंक मध्यरे भृगु और शब्द मानंक मध्यरे एकाक्षर ओं अटे। मु सकल प्रकार यज्ञ मानंक मध्यरे जपयज्ञ और स्थावर मानंक मध्यरे हिमालय पर्वत अटे। अश्वतथ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां सिद्धचित्ररथं सिद्धानां कपिलो मुनिः। मु सकल वृक्षों मध्य अश्वतथ वृक्ष, देवर्षि मानंक मध्यरे नारद मुनि, गंधर्व मानंक मध्यरे चित्ररथ और सिद्ध मानंक मध्यरे कपिल मुनि अटे। उच्चैश्रव समस्वानः विधिमामो मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नरांजनं च नराधिपम्। मते अश्वमानंक मध्यरे अमृत सहित उत्पन्न होइतबा उच्चैश्रव श्रेष्ठ हस्तिमानंक मध्यरे ऐरावत ओ मनुष्यमानंक मध्यरे राजा बोली जान। आयोधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनाश्चास्मि कन्दर्प सर्वनामस्मि वासुकिः। मु शस्त्रमानंक मध्यरे वज्र ओ धेनुमानंक मध्यरे कामधेनु अटे। मु शास्त्रोक्त रीतिरे संतान उत्पत्तिर हेतु कामदेव ओ सर्पमानंक मध्यरे सर्पराज वासुकि अटे। अनत अनंतश्चास्मि नागानं वरुण द्वादशामहं पितृणानां पितृणां मर्जमां चास्मि जम संयमतामहं। मु नागमानंक मध्यरे शेष नाग, जलचरमानंक मध्यरे सेमानंकर अधिपति वरुण देवता एवं पितृमानंक मध्यरे अर्जुन अर्जुन नामक पितृ तथा शासकमानंक मध्यरे जमराज अटे। प्रह्लादश्चास्मि तैतानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मु दैत्यमानंक मध्यरे प्रह्लाद ओ गणनाकारीमानंक मध्यरे काल तथा पशुमानंक मध्यरे मृगराज सिंह ओ पक्षीमानंक मध्यरे गरुड अटे। पवनं पवतामस्मि रामशस्त्र मुर्धृतामहं झषणं मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। मु पवित्र कार्यमानंक मध्यरे वायु ओ शस्त्रधारीमानंक मध्यरे श्रीराम तथा मत्स्यमानंक मध्यरे मगर ओ नदीमानंक मध्यरे गंगा नदी अटे।
स्वर्गणमादिदन्तश्च मध्यजैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानं वाद प्रबोधतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टिमानवर आदि ओ अंत तथा मध्य भी मुँ ही अटे ओ विद्यामानक मध्यरे अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं शास्त्रार्थ पाई परस्पर वाद करथुबा लोकंग मध्यरे तत्व निर्णय पाई करा जाउथुबा वाद मध्य मुँ अटे। अक्षरणाम कारोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाख्यः कालो धातं विश्वतो मुखः। मु अक्षर मानक मध्यरे अकार ओ समसावान समास मानक मध्यरे द्वंद्व नामक समास अटे। मु अक्षय काल अर्थात कालर मध्य महाकाल अटे। सकल दिगरे मुख थिबा समस्तंकर धारण पोषणकारी मध्य मु हि अटे। मृत्यु सर्व हरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यतम कीर्ति श्रीवाक च नारायणं स्मृति मेधा धृति क्षमा। मु समस्तंग विनाश करथुवा मृत्यु एवं उत्पन्न हेबाको जाउथुवा समस्तंगर उत्पत्ति रे हेतु तथा नारी मानक मध्यरे कीर्ति श्री बाक स्मृति मेधा धृति ओ क्षमा अटे। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासनाम मार्ग शीर्षो मृत्युनां कुसुमाकर तथा मु हेउचि गायन योग्य श्रुति मानक मध्यरे बृहत् साम ओ छंद मानक मध्यरे गायत्री छंद एवं मास मानक मध्यरे मार्ग शीर ओ ऋतु मानक मध्यरे बसंत अटे। द्वित छलयतामस्मि तेजस तेज स्विनामहम जयस्मि व्यवसायस्मि सत्व सत्व वतामहम। मु छलनकारी मानक मध्यरे जुआ ओ प्रभावशाली पुरुष मानकर प्रभाव अटे। मु विजेता मानकर विजय ओ निश्चयकारी मानकर निश्चय एवं सात्विक पुरुष मानकर सात्विक हटे। वृष्णीनां वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनिनाम प्यहं वास कविनाम उसनाह कवि। मुन वृष्णी वंशमानक मध्यरे वासुदेव अर्थात मु स्वयं तुम सखा पांडवमानक मध्यरे धनंजय अर्थात तुमे मुनिमानक मध्यरे वेदव्यास ओ कविमानक मध्यरे बुद्धिमान शुक्राचार्य मध्य मु ही अटे। दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जगीशताम मौनं चैवास्मि गुह्यानं ज्ञान ज्ञान वतामहम। मु दमनकारी मानकर दंड अर्थात दमन शक्ति मु विजयकामी मानकर नीति अटे। मु गोपन योग्य भाव मानकर रक्षक मौन एवं ज्ञानी मानकर तत्वज्ञान मध्य मु ही अटे। जच्चा भी सर्वभूतानां विजतद महार्जुनं न तदस्ति विना जस्नान मयाभूत चराचरम। एवं हे अर्जुन, जहाँ सकल जीवंकर विजय एवं उत्पत्तिर कारण ताहा भी मु ही अटे। कारण चर बा अचर एपर कौनसी भी प्राणी नहीं जे कि मो बिना थाईपारे। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतिना परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्त विभूति विस्तरो मया। हे परंतप, मोर दिव्य विभूति मानकर अंत नाही। मु मो निज विभूतिर विस्तार तुमको अति संक्षेपरे कहिली। जत जत विभूति मत सत्वं श्रीमदुर्जितमेव बा तत्तदेवावगच्छन्त मम तेजो ससंभवम। जो सब विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु अछि से सब को तुम्हें मो तेजर आंशिक अभिव्यक्ति बोली जान। अथवा बहु नैतेन कि ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकाशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, एते बहुत जानवे तुम कि प्रयोजन जान जे मु संपूर्ण जगत को निज जोग शक्तिर एक अंशमात्र द्वारा धारण कर रही। ओम तस्यजित श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतिजोगो नाम दशमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय समर्पयामि।